मोदी गवर्नमेंट की 5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो अभी सब लोग जुटे हैं, नया गवर्नमेंट कौन फॉर्म करने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस या फिर और कोई। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में ऐसा क्या किया है जो अब तक भारत के लिए कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी पार्टी नहीं की है, और भारत के लिए सभी पहली बार है। चलिए रहस्य लाइव में मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है नोटबंदी। नोटबंदी बहुत सारे लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका था। हाँ, उसके लिए जरूर सिरदर्द था जो कैश बिजनेस करते थे और बड़े पैमाने पर कैश अपने पास रखते थे और जो होता था नॉन टैक्सेबल इनकम। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे, भारत के अलावा सिंगापुर, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे पहले दर्जे के कंट्री डिमोनेटाइज कर चुके थे, और ये करना बहुत जरूरी था ताकि सब कुछ एक सिस्टम में आ सके। और वो जो इनिशियल धक्का वो तो लगने वाला ही था। हाँ, उसके लिए शायद प्रिपरेशन कम था बीजेपी सरकार के, लेकिन ये डिमोनेटाइजेशन भारत के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेप था। दूसरे नंबर पे आता है विदेश नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यभार संभालने के बाद बहुत सारे देशों में अपना दौरा किए थे, जो दौरा भारत को अभी बहुत तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, जो स्पॉयलर से जो हेटर से वो तो कहेंगे ही कि इतना पैसा खर्चा करके इतना देशों में घूमना पिछले कई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था। अरे भाई, जाकर भी क्या फायदा अगर कुछ ना करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गए और अभी भारत को सभी देश इज्जत के नजरिए से देखते हैं। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, जो हुआ है मैं उसी में बात कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। भारत में अब तक किसी भी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का हिम्मत नहीं किए थे। हाँ, जब भारत पे वार होता था वो लोग रोकने की जरूर कोशिश करते थे या मुंह तोड़ जवाब देते थे, या फिर शत्रु के देश में घुसकर वहां से दुश्मनों को चित करके लौटना। ये पहले बार हुआ था मोदी जी की सरकार में ही। बुलेट ट्रेन, जो कि लगभग सभी पहले दर्जे के देशों के पास है, लेकिन भारत सिर्फ ख्वाब ही देखता था। और बुलेट ट्रेन का इनिशियल एस्टिमेशन से लेकर इनिशियल सब काम हो चुका है। अभी प्लान बनाकर बुलेट ट्रेन का पटरी तैयारी शुरू ही होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने का छलांग है। बहुत लोग कहेंगे कि नॉर्मल जो ट्रेन है उनको देखो पहले, बुलेट ट्रेन में कौन सफर करेगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए हर वक्त आगे ही देखना होता है, और इंडियन रेल भी बहुत आगे जा रहा है। हाल फिलहाल में सभी डिजिटलाइजेशन के अंदर चले आए हैं। इसके बाद आते हैं डिजिटलाइजेशन। भाजपा सरकार ने सब कुछ ही डिजिटल कर दिया है, बैंकिंग सेक्टर से लेकर रेलवे सेक्टर तक, नॉर्मल काम से लेकर सरकारी कोई भी काम सभी डिजिटल कर दिया है। और ये अभी हो रहा है क्योंकि अभी तो ये शुरुआती कदम है, ये पूरे पैमाने पर चलने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। इनिशिएशन ही सबसे बड़े बात है। इसके बाद आते हैं बिजली। भारत सभी जगह से प्रगति कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है। बीजेपी सरकार में 7 लाख से भी ऊपर के गांव में बिजली लगवाया गया है, जो कि 5 साल के स्पैन में कोई भी सरकार इतना बड़े कदम नहीं उठाए रहे। तो दोस्तों, इनमें से सबसे अच्छा कदम आपको कौन सा लगा, और क्या आप इन सब बातों से सहमत है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कॉमेंट का।